हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। क्या हाल चाल है आपके? देखिए, हम आपके लिए रोज़ कंटेंट तो लाते हैं, पर आज मैं सोचा कुछ अलग करते हैं। काफ़ी रिक्वेस्ट आते रहते हैं कि ऑटोमेटिक लेनी चाहिए कि मैनुअल। देखिए, मैंने उस पर बहुत डिटेल वीडियो बनाया, मैनुअल वर्सेज AMT वर्सेज ऑटोमेटिक वर्सेज CVT वर्सेज DCT या DSG पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जिसे आपने बहुत प्यार दिया। पर आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ बात करने वाला हूँ कि अगर आप कोई ऑटोमेटिक AMT या कुछ भी CVT चलाते हैं तो वो किस तरीके से चलाते हैं। अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उसे चलाने को, तो ये आपके लिए एक प्रॉपर गाइड बन जाएगा। ये वीडियो अगर आप बार बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से एलिमेंट्स कैसे चलते हैं। मैंने एकदम सिंप्लीफाई किया हुआ है इसमें। तो पहली चीज़, अगर आप एक ऑटोमेटिक लेते हैं AMT ले, तो उसमें आपको मोड्स आते हैं, जैसे पार्क हो गया, रिवर्स हो गया, ड्राइव हो गया, न्यूट्रल हो गया, स्पोर्ट हो गया, टिप्ट्रॉनिक हो गया। कोई कोई में आपको 2 और L भी लिखा हुआ मिलेगा। अब फिलहाल मेरे सामने जो गाड़ी खड़ी है एज एन ऑटोमेटिक, इसमें आपको पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, स्पोर्ट और टिप्ट्रॉनिक यानी कि प्लस माइनस का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। जो AMT आती है उसमें पार्क ऑप्शन नहीं आता है, आपको नहीं स्पोर्ट आता है। बाकी दूसरी गाड़ियाँ भी जो आती है उनमें सिर्फ मोड्स अलग हो जाते हैं, पर चलाने में वो हूबहू वैसे ही रहती है। अब टू पेडल टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आपको यहाँ पे क्लच दबाना नहीं पड़ता, आपको क्लच मिसिंग हो जाता है यहाँ पे। नहीं तो आप क्लच दबा के गियर शिफ्ट करते हो, आपको यहाँ पे वो नहीं करना पड़ेगा। या आप रिवर्स में डाल दीजिए या ड्राइव में डाल दीजिए और गाड़ी चलती है। तो अभी गाड़ी मेरी स्टैटिक है पार्क में। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने ब्रेक पे पैर दबाया, यहाँ पे एक लीवर है उसको प्रेस करके गियर को मूव किया रिवर्स में, न्यूट्रल में, ड्राइव में। अब फिलहाल मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए, अगर आप एक ऑटोमेटिक चला रहे हो तो आपका लेफ्ट पैर जो है ना स्टैटिक रहता है, उसे हिलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, उससे आपको कुछ ब्रेक या कुछ दबाने की ज़रूरत नहीं, वो यहीं बैठेगा। ठीक है, अब मैंने गाड़ी डी में डाल दी है, मेरा पैर ब्रेक पे ही है, ब्रेक मैंने दबाया हुआ है। अब जैसे ही मैं ब्रेक छोड़ता हूँ गाड़ी आगे चलने लगती है। ओके, तो मैं राइट पैर से एक्सीलेटर दबाता हूँ, ओके, और राइट पैर से ही मैं ब्रेक दबाता हूँ और मैं गाड़ी रोक देता हूँ। अब फिर मैं आगे चलता हूँ, फिर मैं रोक देता हूँ। अब अगर आपको रिवर्स जाना है तो आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, गाड़ी को डालना है इन R और फिर ब्रेक छोड़ दीजिए। तो मैंने जब रिवर्स में डाला गाड़ी को, तब मैंने सिर्फ ब्रेक पे पैर डाला, रिवर्स पे डाला, रिवर्स से यहाँ से हाथ हटाया, ब्रेक से पैर हटाया, गाड़ी अपने आप चल रही है। अगर मेरे को और तेज़ जाना है तो एक्सीलेटर दबाऊंगा, फिर ब्रेक दबाऊंगा, ब्रेक दबा के पूरी गाड़ी रोक दी। लेफ़्ट पैर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है आपको यहाँ पे। अब दूसरे मोड्स क्या क्या है, इसमें आपको स्पोर्ट आता है, टिप्ट्रॉनिक भी आता है। अब ये गाड़ी में स्पोर्ट या टिप्ट्रॉनिक, तो उसके लिए मेरे को यहाँ इसे धकेलना है और ये प्लस प्लस माइनस माइनस देना है। कोई कोई में उल्टा रहता है, माइनस ऊपर रहता है, प्लस नीचे रहता है। अब ये कैसे चलता है, अब मैंने गाड़ी स्पोर्ट पर डाल दी या टिप्ट्रॉनिक पर डाल दी, गाड़ी अपने आप चल रही है आगे। ठीक है, मैं आगे चलते जा रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मुझे गियर शिफ्ट करना है, मुझे ब्रेक नहीं दबाना है, सुन लीजिए, मैं ब्रेक नहीं दबा रहा हूँ, मेरा पैर एक्सीलेटर पे ही है, मैं सिर्फ एक गियर आगे चला गया, गाड़ी आगे चल रही है, मेरा पैर एक्सीलेटर पे ही है, मैंने डाउन शिफ्ट कर दिया, मैंने अप शिफ्ट कर दिया, तो मैं गियर डाउन या अप कर सकता हूँ इन टिप्ट्रॉनिक बिना ब्रेक दबाए। तो ये चीज़ आपको ऑटोमेटिक में एक फ़ायदे वाली चीज़ है, इसे टिप्ट्रॉनिक भी कहते हैं। और कोई कोई गाड़ियों में आपको ये ऑप्शन नहीं आता है। अब दूसरा एक और एक चीज़ आती है, विच इज़ योर पैडल शिफ्टर्स। तो जनरली लेफ्ट पे आपको माइनस रहता है और राइट पे प्लस रहता है। माइनस मतलब गियर डाउन, प्लस मतलब गियर अप। अब जैसे ही मैं आगे जा रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि मेरे को गियर अप करना है और मुझे मैन्युअली पूरा कंट्रोल लेना है। ओके, मैं मैन्युअल कंट्रोल की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंट्रोल जो होगा फ्रॉम यहाँ से, मैं मैनुअल हाथ पे कंट्रोल जो मिलते हैं ना पैडल शिफ्टर्स, उससे। अब मैंने प्लस किया, प्लस किया तो मेरा गियर अपहिल हो गया, बढ़ गया आगे। मैंने डाउन किया, यहाँ पे मैं कहीं पे भी ब्रेक पे पैर नहीं लगा रहा, जैसे टिप्ट्रॉनिक यहाँ चेंज किया है उसी तरीके से मैं यहाँ पे गियर भी चेंज करते जा रहा हूँ आपके सामने, ये दबा के या ये दबा के। सो आप दोनों में से जो भी चाहिए आप उसे यूज़ कर सकते हो। अब पैडल शिफ्टर्स यूज़फुल है, यूज़फुल तब है जब आप घाट पे चल रहे हो और आप तेज़ जा रहे हो, तो आपके लिए क्यों ये मतलब इधर बार बार नीचे झुक के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके स्टीयरिंग पे ही सारा कंट्रोल आ जाता है। तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव गाड़ियों में आता है, ये एक एक्सपेंसिव फीचर आप इसे कह सकते हैं गाड़ी में, जो
ऑफ़र किया जाता है, सारी गाड़ियाँ ये चीज़ ऑफ़र नहीं करती हैं। अब अगर आप ड्राइव पे हो और आप सीधा पैडल शिफ्टर डाल दोगे तो वो D4 या S4 से चला जाएगा मैनुअल मोड पे, तो 1 2 3 4 लिख के आएगा। अब अगर आप जो राइट वाला आपका प्लस है उसे दबा के रखेंगे तब वो वापस चला जाता है इनटू D3 या S3, जो भी मोड आपका एक्टिव है। दूसरे मोड्स क्या क्या आते हैं, आपको एक 2 मोड आएगा, ये L मोड आएगा। L मोड तब यूज़ करना चाहिए जब आप कहीं ऊपर चढ़ रहे हो पहाड़ पे और मेजरली आपका हाई RPM पे वो चलेगा। 2 प्राइमरीली डिपेंड करता है, अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग तरीके से चलता है, बट मान लीजिए आपका सेकेंड गियर तक ही वो गाड़ी जाएगी, उसके ऊपर नहीं जाएगी इन द 2 मोड। तो ये चीज़ें हैं जो एक ऑटोमेटिक गाड़ी ऑफ़र करती है। इसे चलाना बहुत आसान है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे आप स्कूटर चलाते हो, एक्सेलेरेटर ब्रेक, तो वहाँ पे यही कहानी है, एक्सेलेरेटर ब्रेक। तो ये मैं आपके राइट पैर की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट पैर मेरा वैसा ही वैसा बैठा है। लेफ्ट पैर से कभी ब्रेक मत दबाना, क्योंकि आपके लेफ्ट पैर को ना आदत रहती है क्लच दबाने की, तो आप ब्रेक अगर दबा दोगे तो वो पूरी तरीके से गाड़ी रोक देगा और झटके से रोक देगा और शायद पीछे से कोई आपको ठोक भी दे। तो लेफ्ट पैर आपका स्टैटिक बैठना चाहिए, सिर्फ राइट पैर का आपका इस्तेमाल होना चाहिए एक्सेलरेटर दबाने में को और ब्रेक के लिए। अब मैं आपको एक और एक फीचर बताता हूँ, विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। ये क्या होता है, अब मान लीजिए मैं गाड़ी रोक दी, ठीक है, यहाँ पे रुक गए हम पूरी तरीके से, मैंने गाड़ी डाल दी पार्क पे, और जनरली हम हैंड ब्रेक खींचते, इसमें मैंने सिर्फ हैंड ब्रेक अप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब हैंड ब्रेक अप्लाई होने के बाद ऑल आई हैव टू डू इज़ बेसिकली गाड़ी को ड्राइव पे डालना है, ठीक है। नहीं तो जनरली आप नीचे करते हो उसको, यहाँ पे आपको वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे आपको सिर्फ एक्सीलेटर दबाना है, हैंड ब्रेक अपने आप ही डिसंगेज हो जाएगा, समझ रहे हो। जैसे ही आपने गाड़ी ड्राइव पे डाल दी ना, आपका हैंड ब्रेक ऑटोमेटिकली डिसंगेज हो जाएगा। यहाँ पे 2 कंडीशंस और है, आपके दोनों दरवाजे या चारों दरवाजे बंद होने चाहिए और आपका सीट बेल्ट पहना हुआ होना चाहिए। अगर आपने मान लीजिए मैंने इसको पार्किंग पे डाला, हैंड ब्रेक निकाला और ये देखिए सीट बेल्ट उतार दिया, अब मैं इसको सिर्फ डी पे डालता हूँ तो भी वो डिसंगेज नहीं होता है, इस वजह से मुझे पहले सीट बेल्ट पहनना पड़ता है। सब गाड़ियों में ये नहीं है। अब जैसे क्रेटा में अगर मैं इसको डाल देता हूँ इन डी तो हैंड ब्रेक एक्चुअली डिसंगेज हो जाता है, बट दूसरी गाड़ियों में डिसंगेज नहीं होता, जैसे सफारी हो गई, हेक्टर हो गया, वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली डिसंगेज नहीं होता है। दूसरा फीचर है ऑटो होल्ड। अब मान लीजिए मैं सिग्नल पे चल रहा हूँ, ठीक है, अब मान लीजिए मैं सिटी में चल रहा हूँ ट्रैफिक में, या मैं अपहिल चल रहा हूँ कहीं पहाड़ पे, तो अब रुक गए, आगे ट्रैफिक है, तो मैंने क्या किया, ऑटो होल्ड एक्टिवेट किया। अब जैसे ही गाड़ी रुक गई, मैंने ब्रेक पूरा दबाया, गाड़ी रुक गई, तो यहाँ ऑटो होल्ड मेरा ग्रीन हो गया, यानी कि अब मैंने ब्रेक से भी पैर हटा दिया, गाड़ी ड्राइव पे है, ओके, गाड़ी मेरी ड्राइव पे है, मेरे दोनों पैर कहीं भी नहीं है, मतलब ब्रेक या एक्सेलेटर के पास, और गाड़ी खड़ी है। ये स्लोप पे भी यही कहानी रहेगी, तो ऊपर चढ़ो या नीचे उतरो, ऑटो होल्ड उसे पकड़ के रखता है। अब जैसे ही मैं एक्सेलेटर दबाता हूँ, ठीक है, थोड़ा और आगे गया, फिर मान लीजिए फिर आगे ट्रैफिक है तो मैं रुक गया यहाँ पे, फिर मेरा ऑटो होल्ड अभी भी एक्टिव है, रोक दी मैंने गाड़ी पूरी तरीके से, अब मैं फिर रुक गया हूँ यहाँ पे। तो आपको बार बार ब्रेक पे पैर दबा के रखना नहीं पड़ेगा ऑटो होल्ड में, और ये आपके मैनुअल गाड़ी में भी फीचर चलेगा। तो ऑटो होल्ड एक और एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो मैं सोचा आपके लिए कवर कर देता हूँ अलॉन्ग विथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इतना वीडियो देखा है एक लाइक तो बनता है। एंड यस, अगर आप कंफ्यूज हैं आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, देखिए हम पूरी कोशिश करते हैं आपके सारे सवालों के जवाब देने की, उसके लिए आपको मेरे साथ एक फ़ोन कॉल बुक कर सकते हैं, या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है उनके साथ भी आप फ़ोन कॉल डायरेक्टली बुक कर सकते हैं। जाना पड़ेगा motorocktane.com/car-consultancy, वहाँ पे अपने कुछ डिटेल्स छोड़ दीजिए ताकि हमें पता चले आपकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, और हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ फ़ोन पे जुड़ के आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सके ऑन दैट स्पेसिफिक टाइम जो आपने चूज़ किया। और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में भी बताइए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए टू द motorocktane YouTube चैनल। एक और एक वीडियो के साथ कल मिलेंगे, टेक केयर, ड्राइव सेफ।